बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के समोसे बनाने की रेसिपी, बहुत ही इजी मेथड के साथ, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। अगर आपसे ये समोसे ठीक नहीं बनते हैं तो एक दफ़ा इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत ही परफेक्ट समोसे बनाने लग जाएंगे। समोसे की डो बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर 2 कप के करीब मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। इसके साथ ही हम यहाँ पर घी ऐड करेंगे और घी हमें तकरीबन ऐड करना है यहाँ पर 4 टेबलस्पून के करीब। इस मेजरमेंट को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। अगर आप 2 कप मैदा ले रहे हैं तो इसमें आप 4 टेबलस्पून घी डालेंगे, अगर आप 1 कप मैदा लेंगे तो उसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब घी डालेंगे। अब घी को अच्छी तरीके से मैदे में हमें मिक्स करना है। घी को अच्छी तरीके से मैदे में हमने मिक्स कर लिया है और मैदा हमारा कुछ इस तरीके से भुरभुरा हो गया है। इसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि मुट्ठी में आप मैदे को लीजिए, इसे कंबाइन कीजिए और देखेंगे इस तरीके से शेप में अपनी आ रहा है, टूट नहीं रहा जब तक हम इसे तोड़ेंगे नहीं। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और इसकी एक सख्त हम डो तैयार कर लेंगे। समोसे की जो डो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमने इसमें पानी ऐड करना है और इसकी हमने एक सख्त डो तैयार कर लेनी है। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं इसमें कितना कम पानी यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और डो को अच्छी तरीके से कंबाइन कर लेंगे। इसकी डो जो है वो थोड़ी सख्त ही होती है, तभी समोसे बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और इसको हैंडल करना भी आसान हो जाता है। तो देखें, थोड़ा सा पानी डाल के अब मैदे को मैं इसी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने डो जो है वो कितनी ज़्यादा सख्त गूंदी है। अब जो है पानी में हम हल्का हल्का सा हाथ डिप करेंगे और डो को हमें बस अच्छी तरीके से नीट कर लेना है। डो जो है वो सख्ती होनी चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा हम हाथ डालेंगे पानी में और डो को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब देखें, डो जो है वो इस फॉर्म में आ चुकी है कि हमारे हाथों से चिपकना जो है वो बंद हो गई है, तो बस डो बिल्कुल रेडी है। इसे हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, तो इसे मैंने ढक के रख दिया है जब तक हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा, 1 पिंच के करीब यहाँ पर मैंने ऐड की है कलौंजी और 1 पिंच ही यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है अजवाइन। इन सब चीज़ों को ऑयल में थोड़ा सा हम कड़कड़ा लेंगे और जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए आलू। आलू को मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। मैशर से हमें आलू को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, तो बस देखें इस तरीके से मैं इसे मोटा मोटा मैश कर रही हूँ ताकि आलू के मोटे मोटे चंक्स आए समोसे में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और इन सब चीज़ों को पहले हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से आलूओं के साथ। बहुत से लोग इसमें सूखा धनिया का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको सूखे धनिया का टेस्ट अच्छा लगता हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है हरी मिर्चें और थोड़ा सा ही हमने इसमें ऐड कर दिया है हरा धनिया। तो बस हमारी ज़बरदस्त सी झटपट सी आलू की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ हमने ये फिलिंग जो है वो रेडी की है, मगर ये टेस्ट में बहुत ही मज़े की होगी। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। 10 से 15 मिनट बाद आटा जो है वो थोड़ा सा सेट हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे। सारे पेड़े हमने पहले रेडी कर लिए हैं, सभी पेड़े हमने तकरीबन सेम साइज़ के बनाए हैं। इतने ही आटे में हमारे तकरीबन 12 समोसे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक पेड़ा लिया है, इसको मैदे में अच्छी तरीके से डस्ट आउट करेंगे और अब हमें इसकी रोटी बेलनी है। तो देखें, पहले हम इसको इस तरीके से राउंड बेलेंगे। इसका आटा जो है वो बहुत सख्त होता है, बेलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, मगर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको घर के बने हुए मज़ेदार आलू के समोसे खाने हैं। तो
इसको राउंड बेलने के बाद अब हम इसे इस तरीके से लंबाई में बेल रहे हैं, क्योंकि रोटी को हमें थोड़ा सा ओवल शेप देना है। तो देखें इस तरीके से हमने इसे ओवल शेप में अच्छी तरीके से बेल लिया है। रोटी को आप जितना पतला हो सके उतना पतला बेलिएगा, अगर मोटा बेलेंगे तो समोसे जो हैं वो ठीक नहीं बनेंगे। अब इसी तरीके से पहले सारी रोटियां बनाकर हम साइड पे रख लेंगे, और यहाँ पर मैंने सारी रोटियां जो है वो रेडी कर ली हैं। अब हमें इसे कट करना है, तो उसके लिए हम इसको ऊपर वाली रोटी को फोल्ड करेंगे ताकि हमें सेंटर इसका मिल जाए। और अब इसे सेंटर से बिल्कुल नाइफ से कट कर दीजिए, और ये समोसे की पट्टी जो है ना हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे साइड पे रख लेते हैं। अब एक समोसे की पट्टी को हमने लेना है, इसके कॉर्नर पे अच्छी तरीके से पानी लगा दें, और इसे हमें फोल्ड करना है जिस तरह हम कोन फोल्ड करते हैं ना, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। और अब हाथों से अच्छी तरीके से इसे चिपका दें ताकि जब हम फ्राई करें तो ये हमारा खुलना नहीं चाहिए। इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे समोसे की फिलिंग, अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा फिलिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे नीचे से फोल्ड करना है। बहुत से लोगों से ना इसके ये शेप सही नहीं बनती है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप इसे इस तरीके से स्लेब पे रखिए, और ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से के साथ ओवरलैप कर दीजिए, और हाथों की हेल्प से अच्छी तरीके से इसे दबा लीजिए ताकि जब हम फ्राई करें तो हमारी स्टफिंग निकलनी नहीं चाहिए। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये फोल्ड हो चुका है। सभी समोसे बनाकर हम पहले रेडी कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, कम ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो ये फ्राई ठीक नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में आपने इसे फ्राई नहीं करना है, वरना समोसे जो हैं वो ऊपर से बहुत जल्दी लाल हो जाएंगे और मैदा जो है वो कच्चा रह जाएगा, सही से पकेगा नहीं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे जब तक अच्छा सा इसका कलर नहीं आ जाता। और जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे, इनका खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। मज़ेदार से आलू के समोसे जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप एक दफ़ा इसे घर पे बना लेंगे तो डेफ़िनेटली आप बाहर से लेना छोड़ देंगे इंशाल्लाह। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।